सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पिकअप चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो हिस्सों में बातचीत करेंगे। दोनों ही विषय देश के संदर्भ में पर एक के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हुए हैं। पहले चरण में बातचीत हमारी सिस्टम के तमाशे पर है। जिस तरीके से आज तीन राज्यों की पुलिस एक दूसरे के खिलाफ काम करती हुई नजर आई, उसके चलते ये जहन में सवाल आ रहा है कि वाकई संविधान निर्माताओं ने संविधान ठीक ठाक बनाकर हमारे हाथ में सौंपा था? क्या कुछ सिस्टम के अंतर्गत हुआ? केजरीवाल पर टिप्पणी के मामले में पंजाब पुलिस ने जिस तरीके की कार्रवाई आज दिल्ली में आकर की और उसकी प्रतिक्रिया में जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया और अपराधी के तौर पर भाजपा नेता को पंजाब ले जा रही पुलिस को हरियाणा की पुलिस ने जिस तरीके से बीच में ही रोक लिया, अपने आप में सवाल उठ रहा है कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर? इस प्रकार का व्यवहार हुआ मानो दुश्मन देश के साथ में व्यवहार किया जा रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरे चरण में हमारी बातचीत WHO के द्वारा किए गए इस दावे के संदर्भ में, जिसमें उसने तमाम देशों के संदर्भ में आंकड़े जारी किए। यह बताया कि ये देश जो मौतों के संदर्भ में आंकड़े दे रहे हैं कोरोना के संदर्भ में, उससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई हैं। भारत के संदर्भ में ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। भारत सरकार के दावे के मुताबिक 5-5.5 लाख मौतें कोरोना के कारण हुई, पर WHO का कहना है मौतों की संख्या 47 लाख से ज़्यादा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले चरण में बातचीत हमारी पंजाब के मसले पर दिल्ली में मचे घमासान और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक बार फिर से चर्चा में आने को लेकर है। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस संजीदा विषय पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस विषय पर कुछ संजीदा बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र जीवन के संदर्भ में है। विचार सूत्र ये कहता है कि मुक्ति शून्यता में नहीं पूर्णता में है। पूर्णता सृष्टि करती है, ध्वंस नहीं करती। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतनी महत्वपूर्ण बात हमें सालों साल पहले कह दी थी, पर हम हैं कि समझने के लिए तैयार ही नहीं। इसीलिए हम पूर्णता की ओर कोशिश नहीं करते, शून्यता की ओर ही बढ़ने लगते हैं। जो कुछ आज देश ने देखा है तीन राज्यों के संदर्भ में, वह उसी अपूर्णता को बताता है, मूर्खता को बताता है, शून्यता को बताता है। टिप्पणी किसी को अप्रिय लग सकती है, लेकिन जो कुछ हुआ है उससे कानून के संदर्भ में, व्यवस्था के संदर्भ में, संविधान के संदर्भ में अविश्वास बढ़ता है। क्या वाकई ऐसा है? इसी पर विस्तार लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP, मध्य प्रदेश में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे राम निवास जी। मेरे साथ में कुछ और नेता भी जुड़ेंगे जो इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में गुरदीप सिंह जी होंगे जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेजर RPS मल्होत्रा जी भी हमारे साथ होंगे जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। तो कुल मिलाकर चर्चा की शुरुआत मैं राम निवास जी आपसे करना चाहता हूँ। बतौर पुलिस अधिकारी आज का दिन और इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टि से देखते हैं? पंजाब पुलिस ने एक मामला दर्ज किया, क्या वाकई वो इतने संगीन अपराध थे कि 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को पंजाब से चलकर दिल्ली तक आना पड़े और उठाकर ले जाना पड़े? एक सवाल। और उसके संदर्भ में जो प्रतिक्रिया दिल्ली पुलिस ने की और हरियाणा पुलिस ने की है, कितनी विधि सम्मत है, कितनी कानून सम्मत है, इस पर आपकी टिप्पणी। सब नमस्कार जी। बहुत ही संवेदनशील और गहन विषय है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के जो हमारे कुछ राजनेता हैं, उनमें जिसमें कहें कि बड़ा दिल जी, राजनीति में वो आए जिसको थोड़ा सा बड़ा दिल और बड़ा मन होता है उसको राजनीति में आना चाहिए जी। और तो इस प्रकार की कार्रवाई पंजाब पुलिस ने और कई जगह और भी हो रही है, कई राज्यों में और भी देखने को मिली है। तो उससे कि आसाम पुलिस किसी को ले गई, दूसरी पुलिस किसी को लेगी, तो ये इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश के लिए भी, समाज के लिए भी, संविधान के लिए भी, पुलिस व्यवस्था के लिए भी खराब है जी। और जो पंजाब पुलिस ने किया कि पंजाब में पहले इतनी समस्याएं हैं, ये एक छोटा सा प्रकरण था क्योंकि राजनीतिक प्रकरण है जी। और उसमें उतनी तत्परता से जो दिखाई और उसमें पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जी। यदि दिल्ली पुलिस को आना था तो दिल्ली पुलिस के जिस थाने से उनको पहले ये लेना था, जिसकी गिरफ्तारी करनी थी, उस थाने में सूचित करते, उस थाने की पुलिस को साथ ले जाते, साथ ले जाके गिरफ्तार करते, गिरफ्तार ले जाके माननीय न्यायालय में पेश करते, ट्रांजिट रिमांड लेते और ले जाते। तो ना तो उन्होंने, वो सीधे घर पहुंचे, घर में भी जो भी उनके परिवार वालों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए वो बात अलग है, लेकिन जो एक अपना CRPC में प्रावधान था उसका भी पूरा पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से फिर दूसरे हरियाणा दिल्ली पुलिस को और हरियाणा पुलिस को बीच में अपना एक उसमें उनको रोकने का एक प्रावधान मिल गया, रोकने के उनको एक मौका मिल गया। यदि वो पूरी प्रक्रिया का पालन करते तो इसमें इस प्रकार की घटना नहीं घटित होती। वो ट्रांजिट
माननीय न्यायालय में जाते, गिरफ्तारी दिखाते, ट्रांजिट रिमांड ले लेते और फिर अपना 24 घंटे जब तक वो उनको ट्रांजिट रिमांड मिलता तो वो वहां ले जाकर अपना पूरी कानूनी कार्रवाई करते। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी रामनिवास जी के, वो बता रहे हैं कि प्रक्रिया का पालन भी पंजाब पुलिस के द्वारा भी नहीं किया गया और चूंकि उसने प्रक्रिया का पालन नहीं किया इसलिए दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को हस्तक्षेप का मौका मिला। लेकिन मैं गुरदीप सिंह जी आपके पास आना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप लोग इस विषय पर कूदे हैं कमाल है। क्या कुछ तेजेंद्र सिंह बग्गा ने ऐसा कर दिया था जिसके कारण से आपको लगा कि अगर इस संदर्भ में आप साथ में खड़े दिखाई नहीं दिए तो जैसे आज़ादी का कोई शहीद है उसके साथ खड़े दिखाई नहीं दिए? थोड़ा बताइए ऐसा क्या हो गया जिसके चलते तेजेंद्र सिंह बग्गा के लिए दो राज्यों की पुलिस भी लग गई, पूरा भाजपा संगठन भी लग गया, केजरीवाल का भय है, आम आदमी का विस्तार आपको इतना बेचैन कर रहा है, या इससे इतर एक संस्कार वाली पार्टी, एक सिद्धांत वाली पार्टी इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले शख्स के साथ खड़ी हो गई? थोड़ा समझना चाहते हैं क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से आपको लगा कि साथ में खड़ा होना चाहिए और इस स्तर तक खड़ा होना चाहिए? त्रिवेदी जी, ऐसा है कि कमाल तो पंजाब सरकार ने किया है, पंजाब की पुलिस ने किया है जी। कि मैं पूछना चाहता हूँ किस अधिकार से पंजाब पुलिस डायरेक्ट उसके घर पे चले गई है? क्या वो इतना बड़ा क्रिमिनल था? क्या इतना हार्डकोर क्रिमिनल था? पहली बात तो कोई भी क्रिमिनल हो या कोई ऑफेंस उस पर लगता हो या कोई केस दर्ज हो तो लोकल पुलिस को जानकारी देनी जरूरी होती है, ये कानून में प्रावधान है जी। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई जी? डायरेक्ट क्यों जाया गया? 15 गाड़ियों का काफला, वहां पे 50 पुलिस वाले उसके घर के उसके गिरफ्तारी करने चले गए, फिर उसके बाप से मारपीट की। जैसे केजरीवाल साहब बार बार बोलते हैं कि वीडियो बनाओ, करप्शन कहीं होता तो हमें बताओ, तो वो करप्शन नहीं है क्या? कि आपने कैसे वो वहां पे जाके बुजुर्ग आदमी से मारपीट की, फिर आपको तेजिंदर बग्गे को वीडियो नहीं बनाने दी, फिर उसको पगड़ी नहीं बांधने दी? आप केवल हिंदुओं के दुश्मन नहीं है, सिखों के दुश्मन भी बन गए आज। आपने इतना अपराध किया है, आपने तो कानून को तो समझा ही नहीं है। जो पंजाब पुलिस वाले गए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आपने वर्दी डाली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं? आपने कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई? और दूसरी बात, आप कहते हैं कि बीजेपी ने कैसे किया? देखो, बीजेपी का बाद में बात है, पहले बग्गा जी के पिताजी प्रितपाल सिंह ने जो कंप्लेंट दर्ज किया कि हमारे कानून से उल्ट जो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उसकी गिरफ्तारी करके किडनैप किया है, उसको उठा के लेके गए हैं, किडनैप करके लेके। अरे गुरदीप जी, आप तो ऐसे बगाल करो, कल रेपिस्ट के संदर्भ में या दूसरे मामलों में उसके परिजन भी कहने के लिए आ जाते हैं। अभी आपके मामा जी का बुलडोजर मध्य प्रदेश में चल रहा है, सब बता रहे हैं हमारे संदर्भ में इतना जुल्म हो गया। क्या है प्रितपाल सिंह बग्गा जी के संदर्भ में जो आप कह रहे हैं? भाई, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी कर रहा है, उसका अतीत भी इस प्रकार की घटनाओं के संदर्भ में भरा हुआ है। प्रशांत भूषण को चाटा मारने के संदर्भ में उसके ऊपर केस दर्ज है, अरुंधति राय के कार्यक्रम में खलल पहुंचाने का मामला दर्ज है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर कालिक पोतने के संदर्भ में मामला दर्ज है, एक लगातार अराजकता फैलाने के आरोप जिस शख्स के संदर्भ में है उसके परिजनों का विलाप आपको इतना बेचैन कर रहा है, उसके हकों के लिए आप इतने संवेदनशील हो रहे हैं और अभी आपके किसी नेता के संदर्भ में टिप्पणी हो जाए तो आप उसके घर से उठवा देते हैं। मेवाणी विधायक है निर्वाचित, उनको असम की पुलिस जाकर घर से उठा लाई, असम तक ले गई, तब आपको ये सब दिखाई नहीं दिया? त्रिवेदी जी, ये बताइए, किसी पे कोई मामला दर्ज हो तो क्या कानून वाले अपना कानून छोड़ दें? क्या नियम को पालना ना करें? दूसरी बात है, आपको दूसरे दिख गए, लाल जोन पे अगर देश का झंडा फहरा दिया वो नहीं दिखा किसी को जी? अगर मान लीजिए उसने कोई क्राइम किया तो उसको मैटर ऑफ लॉ है ना, लॉ के हिसाब से उठाओ। लो क्या कहता है? लो कहता है, सुन लीजिए बात, पहले तो लोकल पुलिस को इंटीमेशन देनी पड़ती है, दूसरे राज्य में जाते हैं जी। और साथ में अगर मान लीजिए वो पेश नहीं हो रहा तो 41A का नोटिस दिया जाता है, 41A का नोटिस देके वारंट इशू जारी किया जाता है, तो कोर्ट के हिसाब से चले, नियम के हिसाब से चले। अगर उसने गलती की है तो उसको कोर्ट भी लेके जाए ना, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि पुलिस अपने तरफ कानून से तो चलना चाहिए। अपराध किया तो क्या हुआ, ये एक जायज किस्म की दलील गुरदीप सिंह जी कार्यक्रम में दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इस सरकार के संदर्भ में आक्षेप ही यह है कि जब तक दिल्ली में थे तो पुलिस इनके पास नहीं थी, अब पुलिस आ गई है, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है, अब यही सब होना है, ऐसी आशंका पहले ही जताई जा रही थी और अब ऐसा कुछ हो भी रहा है। रामनिवास जी भी बोल रहे हैं नियमों का पालन नहीं हुआ। इन सब के बीच में मेरे साथ में मेजर RPS मल्होत्रा जी हैं। आम आदमी पार्टी
एक चमत्कारिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुल मिला के मल्होत्रा जी, आप भी उसी राह पर चल निकले जिसको लेकर आप शिकायत करते थे। एक राज्य आपके हिस्से में क्या आया, संभल नहीं रहा, सीधा सवाल। देखिए द्विवेदी जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे संभल नहीं रहा, सारा कुछ हमारे कंट्रोल में है जी। और बहुत अच्छे अच्छे फैसले आपने खुद ही सुना होगा, मेरी मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे फैसले जनता के हाथ के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, उन पे कार्रवाई करना भी सरकार का फर्ज है जी। आप खुद ही कह रहे थे कि जैसे जो बता जी हैं, इन पे कितने मामले दर्ज हैं, कितने गुंडई के मामले इन पे दर्ज हैं। और आज सच में भाजपा ने ये साबित कर दिया कि गुंडों की पार्टी है, जिस तरीके से इस तरह के गुंडे के बचाव के लिए ये सारी की सारी पार्टी कूदी है। और इसने दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार और सारे अमले को इस्तेमाल किया है उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए जी। और आप देखिए कि पंजाब पुलिस ने सारी प्रक्रिया फॉलो की है। सीधे तौर पर सवाल है, बहुत स्पेसिफिक। एक तो आपने एक ट्वीट के कारण से मामला दर्ज करके उसे इतना संवेदनशील बना दिया है, जो आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इस हिसाब से तो उन्हें कम से कम 50 बार जेल में चले जाने चाहिए। तो उन्होंने तो इतने ट्वीट और इतने बयान दूसरों के संदर्भ में दिए और बाद में माफ़ी मांगते हुए अदालतों में दिखाई दिए, सामने हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उसके। दूसरा आपसे सवाल ये, हमारे साथ में पूर्व पुलिस महानिदेशक रामनिवास जी हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि पंजाब की पुलिस ने नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया, गिरफ्तारी अगर की थी तो तुरंत ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश करना था। आप तो लेकर ऐसे उड़े कहीं बिजली से भी कोई बीच में रोक ना ले, पर फिर भी रोक लिए गए, क्या हासिल किया आपने इससे? देखिए श्री राम निवास जी चाहे पुलिस में रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाजपा का पक्ष जो है लेते नजर आ रहे हैं। मैं खुद सीबीआई के साथ कुछ अरेस्ट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रहा हूँ, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर 23 घंटे के अंदर अंदर जो पुलिस है वो किसी भी कोर्ट में पेश कर सकती है तो लोकल पुलिस जो कोर्ट है उससे ट्रांजिट रिमांड की जरूरत नहीं है। दिल्ली आने में 5 घंटे नहीं लगते जनाब, तो पंजाब आके उसको पेश कर देना था 9 बजे। मल्होत्रा जी ने तो सीधे तौर पर कानूनी प्रावधान का हवाला देते हुए रामनिवास जी की निष्पक्षता को ही संदेह के दायरे में ला दिया है। तो रामनिवास जी, या तो आप स्वीकार कर लीजिए कि भाजपा के साथ आपकी बेहद मोहब्बत है इसलिए आप ऐसे बयान दे रहे हैं, या कानूनी दृष्टि से आपका जो इतना लंबा प्रशासनिक तजुर्बा है, थोड़ा सा नियम प्रक्रिया के तहत बताएंगे कि कहाँ चूक गई दिल्ली पुलिस, कहाँ चूक गई पंजाब पुलिस, कहाँ गलती कर गई हरियाणा पुलिस। हेलो, आप मेरे से पूछ रहे हैं? मैं रामनिवास जी से पूछ रहा हूँ, रामनिवास जी पर सवाल है। मैं इसमें डॉक्टर साहब आपको निवेदन करता हूँ जी कि जो सीआरपीसी में प्रावधान है कि आप 24 घंटे के अंदर पेश कर सकते हैं, वो तो प्रावधान है जी। लेकिन साथ में ये भी है कि यदि आप दूसरी अपनी जब आप जिस जगह पे गिरफ्तार करते हैं उसकी पुलिस को भी सूचित करेंगे जी। और जब गिरफ्तार, या तो आप उसको बिना गिरफ्तारी करके उठा कर ले जा रहे हैं तो फिर उन्होंने किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया। यदि आप गिरफ्तार करते तो गिरफ्तारी वहां दिखा के फिर उस संबंधित थाने में से जिसमें से गिरफ्तार कर रहे हैं उस थाने की कोर्ट जो भी लग गए उससे ट्रांजिट रिमांड लेना था जी। ये बिल्कुल स्पष्ट कानून के अंदर है। शायद जो हमारे प्रवक्ता साहब हैं उनको भी इसका ज्ञान नहीं होगा, सीबीआई के साथ बहुत लंबे समय तक रहे होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन यदि अपना ज्ञान दोबारा से ज्ञान वर्धन कर लें, यदि जनकपुरी थाने में जिस भी थाने से कोई गिरफ्तारी करता है उसी के मजिस्ट्रेट से उसको ट्रांजिट रिमांड लेना रहता है। यदि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की और उसको लेकर चले, इसलिए उनके ऊपर किडनैपिंग का केस आ गया। तो इसमें तो कानूनी प्रावधान रूप से स्पष्ट रूप से पंजाब पुलिस ने कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया और इसीलिए दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ और उनके अधिकारियों के खिलाफ किडनैपिंग का केस कायम करने का एक पूरा कानूनी प्रक्रिया उनको अधिकार मिल गया। और आप जब देखेंगे कि इसीलिए हरियाणा पुलिस ने उनको रोक भी लिया, यदि ट्रांजिट रिमांड लेते तो किसी भी प्रकार से कोई पुलिस उनको रोक नहीं पाती, रोकती तो फिर उसी पुलिस के विरुद्ध ये कानून मतलब ड्यूटी के लिए व्यवधान उत्पन्न करने के लिए
हाई कोर्ट या माननीय उच्चतम न्यायालय में केस दर्ज हो जाता है। नहीं नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे, ये आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता में आए कुछ माह ही हुए हैं, 50 दिन 60 दिन कुल इतना ही हुआ है, ये पुलिस क्या नियम कायदे कानून पूरी भूल गई पंजाब की? उसको नहीं पता कि नियम क्या है, कायदा क्या है, कानून क्या है? सरकार ने कहा उठा लो, उठा लाए। क्या आपको लगता है कि वाकई अब इस देश का सिस्टम भरोसे के लायक रह गया है आम आदमी की निगाह में? ये मेरे से सवाल है डॉक्टर जी। बिल्कुल आपसे ही सवाल है, क्योंकि ये तो पूरी पुलिस प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा है। ये जो है ये निरंकुशता का एक बहुत सबसे बड़ा उदाहरण है और पुलिस का दुरुपयोग करने का भी सबसे बड़ा उदाहरण है। कि मैं पहले भी यहाँ से कि पहले उन्होंने पूरी पंजाब पुलिस आके अपने मुलजिम ढूंढ नहीं रही है, दिल्ली में जो छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं उसके लिए इनको सबसे बड़े अपराध दिखाई दिए। और मैं तो स्पष्ट रूप से इनको प्रवक्ता साहब को कहूंगा, ये माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए भी उनका छोटे दिल का भी वो प्रदर्शित करता है। सत्ता मिल जाए उससे कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। उन्होंने राजनीतिक रूप से भी 50 जगह माफी मांगी है और अपना जो है वो बड़ा भाव नहीं दिखाया है। और ये उनके लिए भी एक खराब स्थिति है, पूरे देश के में भी है कि उन्होंने तो सत्ता मिल गई तो कोई इसका बल का ये नहीं मिल गया कि पहले बहुत बड़े नेता रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में भी, लोगों ने भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, देश में देखा है जो बड़ा दिल दिखाते हैं। यदि कोई उनके प्रति टीका टिप्पणी कर भी दी तो राजनीति में आए क्यों? दी इतना डर लगता था तो टीका टिप्पणी से अपनी वही नौकरी करते जो उसमें सेवा में थे, फिर किसने कहा था? और 50 जगह वो खुद ही झूठ बोलते रहे हैं, खुद ही वो करते रहे हैं कि मैं उसमें राजनीति में जाऊंगा नहीं, पद के लिए आऊंगा नहीं, और फिर उन्होंने पूरी वो सारी की सारी किया। तो ये जो भी है तो ये पूरे के पूरे केजरीवाल जी की दोहरी मानसिकता को और एक तरीके से उस मानसिकता को प्रदर्शित करती है, इसको प्रदर्शित करते हैं। कुल मिलाकर रामनिवास जी बहुत नाराज हैं इस राजनीति के तौर तरीके को लेकर। मुझे जाना तो गुरदीप जी के पास में, लेकिन निशाने पर तो सीधे आम आदमी पार्टी है, इसलिए मल्होत्रा साहब वापस आपके पास आना पड़ेगा। इसी के लिए पंजाब में सरकार बनाई आपने कि कुमार विश्वास के घर पुलिस भेज दो, अलका लांबा के घर पुलिस भेज दो, बग्गा जी के पास पुलिस भेज दो। कौन से जन्म के हिसाब बाकी रह गए हैं? थोड़ा लिस्ट दे देंगे किस किस के घर पे और पुलिस भेजने वाले हैं? दिल्ली में सरकार रहते हुए पुलिस मिल नहीं रही थी, अब आई है पुलिस हाथ में, चूक ना जाए कोई जिससे हिसाब चुकता करना है। मानशु जी ऐसी कोई बात है, लेकिन देखिए अगर कोई स्पीच के अधिकार को गलत इस्तेमाल करेगा और लोगों की भावनाएं भड़काएगा, धार्मिक भावनाएं भड़काएगा या शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है मल्होत्रा साहब, केजरीवाल जी के खिलाफ कार्रवाई कब करवा रहे हैं आप? जानने में मेरी दिलचस्पी है, उन्होंने खुद कितने बयान दिए हैं और उनसे कितनी बार पलटे हैं, मुझसे ज्यादा आपने पढ़े होंगे, कितना दोषी मानते हैं अपने नेता को, और उसके संदर्भ में भी ऐसी किसी कार्रवाई की उम्मीद हम कर सकते हैं? हिमांशु जी, केजरीवाल साहब ने कभी किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश नहीं की, कभी शांति भंग करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ वो बोलते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। और दूसरी बात देखिए, अभी राम निवास जी से आप बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि पंजाब पुलिस ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं माफी चाहता हूं, मैं उनके साथ दोबारा से असहमत हूं कि अरेस्ट करने के बाद जो जनकपुरी का पुलिस स्टेशन है वहां पे पंजाब पुलिस के एक DSP गए हैं इन्फॉर्म करने के लिए और उनका एक वीडियो भी आया है और वहां पे एक DSP को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। आप देखिए कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा कानून का दुरुपयोग और क्या होगा कि सब कुछ सामने है लेकिन उसके बावजूद झूठ बोला जा रहा है और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अपनी सुविधा से झूठ और सच को तलाश रहे हैं। रामनिवास साहब ने साथ में ये भी बताया कि जब अरेस्टिंग की जाती है तो संबंधित थाने के न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए प्रस्तुत करना होता है और अगर ये काम कर दिया होता तो ना तो दिल्ली पुलिस आपको रोक पाती, ना हरियाणा पुलिस हस्तक्षेप कर पाती। क्या हड़बड़ाहट थी कि न्यायालय में पेश करने से भी बचने की कोशिश की, आप बता सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए आप गलत व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि दिल्ली के ही किसी न्यायालय में पेश करना था, उसको देश के किसी भी न्यायालय में 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है। लेकिन जो स्थानीय थाना होता है उसको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, उसके लिए DSP गए थे और उनको वहां पे डिटेन कर लिया गया।
सो मैं विनती करूंगा कि जो भी महानुभाव आप यहाँ पे आप बुलाते हैं उनसे कृपया विनती कीजिए कि कानून का जो पक्ष है वो बिल्कुल सत्य आपके सामने रखें, क्योंकि लाखों लोग आपके टीवी को देख रहे होते हैं। तो एक तरफ मेजर आरपीएस मल्होत्रा साहब हैं, फौज में रहे हुए हैं, उनके पास में भी एक अनुभव है। एक मेरे साथ में छत्तीसगढ़ के डीजीपी रहे राम निवास साहब हैं, जिनकी कानून संबंधी ज्ञान को लोग मानते हैं, 35 साल से ज़्यादा का तजुर्बा रहा है उन्हें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और सीधे तौर पर मल्होत्रा साहब का कहना है, गलत बयानी कर रहे हैं राम निवास जी, बात गुरदीप जी से करनी है पर राम निवास जी की साख पर सवाल आ गया है, तो कम से कम अपना पक्ष राम निवास जी रख दें और फिर इसकी सत्यता हम लोग बाद में पता कर लेंगे। जी राम निवास जी, ये देखिए जो मेजर साहब बता रहे हैं जी कि उन्होंने जाके सूचना दी, जी सूचना देना तो उनका काम ही था जी, पहले आप उन्होंने गिरफ्तारी कर ली जी। गिरफ्तारी करने का मतलब ये है कि आप 24 घंटे के अंदर पेश करना, जब आपने 5 नोटिस पहले दे दिए, पूरे कार्रवाई कर ली, गिरफ्तारी कर ली, तो थाने में जाके कुछ थाने में पेश क्यों नहीं किया, तो ट्रांजिट रिमांड लेके आप स्टेट किस आधार पे लेके जा रहे थे, किस आधार पे उसका ट्रांजिट रिमांड का ही मतलब ये होता है कि जिस थाने से आप गिरफ्तार करेंगे उस थाने के मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करेंगे, वो आपको जितना समय आपको ले जाने में लगेगा उतना समय आपका वापिस 24 घंटे के अंदर कट जाएगा। ट्रांजिट रिमांड का मतलब 24 घंटे के अंदर आप कट जाएगा, उसके बाद जाके आप अपना पूछताछ करिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए, अदरवाइज तो किसी भी जगह पेश करने में कोई ट्रांजिट रिमांड का प्रावधान ही नहीं होता। तो मैं मेजर साहब से निवेदन करूंगा दोबारा से सीआरपीसी का गहन अध्ययन कर लें, किसी भी विशेषज्ञ से पूछ लें इस बात को, यह है कि ट्रांजिट रिमांड इसलिए होता है कि आप पूरा 24 घंटे आपके पास अतिरिक्त रूप से फिर बरत लें, वो समय उसमें से घट जाता है। तो कुल मिलाकर वो उसे पढ़ ले, लेकिन मैं अब आना चाहता हूं गुरदीप सिंह जी आपके पास, आप किस व्यक्ति के साथ खड़े हैं इसका सवाल है। एक शख्स जो ट्वीट करता है, जब 100 गाली के साथ मरे होंगे तब जाकर कहीं एक अरविंद केजरीवाल पैदा होता होगा। आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी जैसा सुसंस्कारित संगठन जिसमें अटल जी रहे, जिसमें आडवाणी जी हैं, जिसमें जोशी जी हैं, ठाकरे जी का तप है, भंडारी जी का परिश्रम है, मोदी जी का पसीना है, अमित शाह की मेहनत है, अब उस पार्टी के दिन ऐसे आ गए हैं कि इस भाषा का उपयोग करने वालों के लिए दिल्ली को घेर देंगे, पुलिस को लगा देंगे, 3-3 IG और SP स्तर के अधिकारियों को उसके बचाव के लिए खड़ा कर देंगे, यही रह गया भाजपा के पास करने के लिए, ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। थोड़ा बताइए गुरदीप जी, ऐसे आदमियों के लिए पार्टी में जगह होनी चाहिए या आप लोग मानते हैं ऐसे आदमियों की जगह जेल में होनी चाहिए? त्रिवेदी जी, बात ये नहीं है कि किसने क्या लिखा है। अच्छा, बात आज की चर्चा सुन लीजिए, बात ये है कि हमने कर क्या रहे हैं, हम का ला का फॉलो कर रहे हैं। जब हम विधानसभा में बैठे, क्या हमने वहां पे कसम नहीं खाई थी कि हम लोगों को फॉलो करेंगे, कानून को पसंद करेंगे? पहली बात, दिल्ली में ट्वीट किया गया, दिल्ली के सीएम के लिए ट्वीट किया गया, टिप्पणी की गई जी। तो वहां के 3 करोड़ लोगों की भावना नहीं भड़की, पंजाब में इनके प्रवक्ता हैं जो सनी आलूवालिया, उनकी भावना आहत हो गई, यहाँ पे पर्चा दर्ज होता है। फिर दूसरी बात, डीएस इतने बड़े क्रिमिनल को लेने चले गए, डीएसपी साहब 50 बंदों की टीम लेके चले गए, साथ में 15 गाड़ियां लेके चले गए, फिर कोई कानून को फॉलो नहीं किया, तो इसको क्या कहेंगे? कानून कौन तोड़ रहा है? किसने कहा है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको उस पे मामला दर्ज ना हो? और तीसरी बात, क्या अरविंद केजरीवाल जी 38% आपराधिक मामले दर्ज है दिल्ली के अंदर जो इनके विधायक हैं? 48% यहाँ के 92 में से 48% पे आपराधिक मामले दर्ज है। क्या आपने वहां पे डीएसपी और 50 बंदों की टीम भेज दी चेक करने के लिए सिर्फ उनको वहां पे? क्या है ये, क्या चल रहा है? चल क्या रहा है, ये बदलाखोरी की राजनीति है। वो ये बताना चाहते हैं, त्रिवेदी जी आप सुन लीजिए, वो बताना चाहते हैं कि हमारे पे जो टिप्पणी करेगा तो हम उसको ऐसे ही करेंगे, तो ये बदलाखोरी की राजनीति कर रहे हैं, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। अच्छा, और इसका प्रशिक्षण कौन दे रहा है? गुरदीप जी आपने बड़ी गंभीर बात कही, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, टिप्पणी दिल्ली के नेता ने की, FIR पंजाब के व्यक्ति ने करा दी, जिग्नेश मेवाणी हैं गुजरात के विधायक हैं, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, मेवाड़ी जी ने टिप्पणी की, मामला कहाँ दर्ज कराया आपके नेता ने? असम में।
असम की पुलिस सारे अपराधियों को भूल गई, एक निर्वाचित विधायक को पकड़ने के लिए गुजरात पहुंच गई। तो कुल मिलाकर प्रशिक्षण देश में किस बात का चल रहा है, आप तमाम राजनीतिक दल किस राह पर देश को ले जाने चाह रहे हैं, इसे जानने में बड़ी दिलचस्पी है। तय कर लिया आपने कि मुंह खोल के तो दिखाए इस देश में कोई, बता देंगे कि मुंह खोलने की गलती क्या होती है। जी गुरुदीप जी, हम कानून कानून को फॉलो करते हैं। मैं फिर बार कह रहा हूं, हम किसी को ये सेटिस्फाइड कॉपी नहीं देते कि कोई गलती करे तो हम उसके साथ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे जाके मारपीट करना, वहां पे पकड़ी उसको बांधने नहीं देना, उसकी वीडियो नहीं बनने देना, ये क्या दर्शा रहा है? अगर ये बार बार कहते हैं कि ये पार्टी गलत है, ये पार्टी गलत है, हम नया कुछ देके देंगे, तो इन्होंने नया क्या कर दिया? इन्होंने तो मतलब फॉलो, अगर कोई गलत करता है तो गुरुदीप जी की शिकायत ये है भाई, हमने जो भी किया वो तो ठीक है, पर आम आदमी पार्टी ने तो कहा था हम नया करेंगे, नया क्या कर दिया? वह भी वही कर रहे हैं जो पहले बाकी लोग कर रहे थे। पर देश को इस संदर्भ में विचार करना चाहिए, क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के मायने यही रह गए कि अगर आपने मुंह खोल दिया और असहमति का स्वर उसमें आ गया तो कोई ना कोई कानून की धारा लाकर आपको बता दिया जाएगा कि यह मुंह खोलकर आपने कितना बड़ा अपराध किया? क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या देश की अदालत इस विषय पर कोई संज्ञान लेकर ऐसा कुछ करेगी जिसके चलते संविधान में जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है उसके संदर्भ में भरोसा बन पाए कि यह अधिकार हमारा सुरक्षित है? वाकई ये चिंता का विषय है और इन चिंताओं के बीच में सरकारों को विचार करना चाहिए कि वह परस्पर पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में व्यवहार कर रही हैं या परस्पर दुश्मन देशों के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं, इस पर सभी को चिंतन करना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस देश में दूसरी चर्चा का विषय अर्थात कोरोना से मौत हुई कि नहीं हुई और हुई तो कितनी हुई, इस संदर्भ में बात करेंगे। कहीं जाइएगा ना, हम गए और आए।